बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के लिए साल 2022 कुछ खास साबित नहीं हुआ। करियर वाइज ये साल अक्षय कुमार के लिए बेहद ही खराब रहा। एक्टर की इस साल 5 फिल्में रिलीज हुई। पहले मार्च में बच्चन पांडे आई, जिसे दर्शकों ने नकार दिया। फिर जून में सम्राट पृथ्वीराज रिलीज हुई, जो कि बुरी तरह फ्लॉप हुई। इस फिल्म में अक्षय को कास्ट करने पर लोगों ने नाराजगी भी जताई थी। मई अगस्त में अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन रिलीज हुई, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह जा गिरी। फिर सितंबर में अक्षय कठपुतली नाम की फिल्म लेकर आए, ये फिल्म ओटीटी पर आई। फिल्म को ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला। इसके बाद अक्टूबर में वो राम सेतु लेकर आए, इस फिल्म का भी बुरा हाल हो गया। यानी अक्षय ने बैक टू बैक एक साथ कई फिल्में फ्लॉप दे दी। इसी बीच जाने माने फिल्म मेकर और जानवी कपूर के पिता बोनी कपूर ने हाल ही में अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्मों और उनकी ज्यादा फीस को लेकर तंज कसा। दरअसल हाल ही में उन्होंने द कपिल शर्मा शो में बिना किसी का नाम लिए कहा कि आजकल कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो 25-30 दिन में फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेते हैं और फीस पूरी लेते हैं, लेकिन उनकी फिल्में हिट नहीं होती बल्कि फ्लॉप होती हैं। बोनी ने आगे कहा कि शुरुआत से ही उनके इंटेंशन सही नहीं नजर आते। मैं किसी एक्टर का यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो नाप तोल करके काम करते हैं। वो बोलते हैं कि कितने दिन का काम है, उनका सेटअप होता है जो बहुत आरामदायक होना चाहिए, जैसे उन्हें टाइम पर हीरोइन अवेलेबल होनी चाहिए, डायरेक्टर अवेलेबल होना चाहिए, ऐसे में पिक्चर कहां से अच्छी बनेगी। बोनी कपूर ने आगे कहा कि अगर एक्टर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर सच्चाई के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो फिल्म फ्लॉप होनी तय है। ऐसे में फिल्म ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी। जब तक सच्चाई नहीं आएगी, चाहे वो एक्टर्स हो, डायरेक्टर हो या फिर चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो, पिक्चर ना तो अच्छी बनेगी और ना ही चलेगी। अब सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार के फैंस बोनी के इस बयान को खिलाड़ी कुमार से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में अक्षय कुमार ही एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जो 30-40 दिन में अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म कर लेते हैं और उनके ही एक साल में 4 से 5 फिल्में रिलीज होती हैं। बता दें कि ये साल बॉलीवुड के लिए कुछ खास साबित नहीं हुआ। ज्यादातर स्टार्स की फिल्में फ्लॉप साबित हो रही हैं। ऐसे में देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड की नैया पार लग पाती है या नहीं। देखने वाली बात अब ये होगी कि बोनी कपूर के इस बयान पर अक्षय कुमार किस तरह से रिएक्ट करते हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।